मतलब यार हद हो गई क्या यार, ये रूमर्स फैलाने वाले ना मतलब जीना हराम कर देते हैं। भाईजान जोधपुर के सेंट्रल जेल में हैं, हम सबको पता है दोस्तों। और जब भाईजान अंदर जाते हैं तो खबरें आती हैं बाहर कि भाईजान का बीपी बढ़ गया, भाईजान को एंग्जाइटी हो रही है, उन्हें चक्कर आ रहे हैं वगैरह वगैरह। बुलशिट यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों झूठे अफवाह फैला रहे हो भाईजान के बारे में? दोस्तों आप लोग टेंशन मत लीजिए, भाईजान एकदम सही सलामत हैं, कुछ नहीं हुआ उन्हें। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेडिकल की उनकी रिपोर्ट आई है और जब उनका मेडिकल चेकअप होता है जेल के अंदर तब क्लीन चिट दे दी जाती है। मतलब रूमर्स वाले ना कुछ भी फैलाते हैं, आप लोग प्लीज़ उनकी बातें मत सुनिए दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ और अंदर की पूरी बातें बता रहा हूँ कि भाईजान का वहाँ पे टेस्ट हुआ है और ये बात इंटरव्यू में भी बोली गई है, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे भाईजान हेल्दी हैं, हमारे भाईजान सेफ हैं, उन्हें कोई ख़तरा नहीं है। बस मैं चाहता हूँ आप दुआ कीजिए, मैं चाहता हूँ आप प्रे कीजिए कि 6 तारीख यानी कि आज को जो सेशन कोर्ट में सुनवाई है बेल के लिए वो पास हो जाए बस, और भाईजान खुशी से और सही सलामत वापस आ जाए। अगर बात करूं दोस्तों तो 5 तारीख यानी 5 अप्रैल को एक काला दिन था जब भाईजान को 5 साल की जेल सुनाई गई जोधपुर के कोर्ट में, साथ ही साथ 10,000 रुपये का जुर्माना भी दिया गया। और जैसे ये बात पता चली, भाईजान के चाहने वाले, हम जैसे फैंस, उनके फैमिली मेम्बर्स, सब दोस्तों बहुत ज़्यादा निराश हो गए। बस प्रे कीजिए दोस्तों, और मैं चाहता हूँ हौसले से काम कीजिए एंड ऐसे रूमर्स वालों को ना बिल्कुल मत सुनिए, ठीक है? भाईजान सेफ हैं, भाईजान फिट हैं, भाईजान हेल्दी हैं एंड भगवान उन्हें अच्छी सेहत दे और प्रॉस्पेरिटी दे।